السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقبول شبابه e-learning and teaching पेश करते हैं जमात चारों मज़मून उर्दू सबक नंबर 14 हकीम अजमल खान। तो मैं आज आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर के बाद से लेसन लेके आया हूँ हकीम अजमल खान का। चलिए हम बुलंद खानी शुरू करते हैं। हकीम अजमल खान दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। उनका नाम अजमल खान था। हकीम साहब 1864 में पैदा हुए थे और 63 साल की उम्र में अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने से 1927 में इस दुनिया से उठ गए। अगर आपको हकीम साहब का थोड़ा सा भी हाल बताया जाए तो पूरी किताब बन जाएगी, इसलिए इनके बारे में सिर्फ दो चार बातें आपको बताते हैं। एक जमाने तक लोग हकीम साहब को सिर्फ एक अच्छा हकीम मानते थे। उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई हकीम न था। नवाबों राजाओं से महाना हजारों की रकमें बंधी हुई थी। उनके दिल्ली से बाहर जाने की रोजाना 1,000 रुपये फीस मुकर्रर थी। आप समझते होंगे कि इतना बड़ा तबीब सिर्फ अमीरों ही का इलाज करता होगा, गरीबों को उससे क्या फायदा। पहुंचता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हकीम साहब जो कुछ कमाते अपने अजीजों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में खर्च कर देते। दिल्ली में या इसके आसपास किसी गरीब के घर जाते तो इलाज का 1 पैसा ना लेते। इसी वजह से वो बड़ा तबीब जो राजाओं और नवाबों के महलों में हजारों पर जाता, अक्सर टूटी फूटी झोपड़ियों में भी खिदमत करता नजर आता था। इसके पास से बेशुमार गरीबों को दवाएं मुफ्त मिलती थीं। जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में सुबह ठीक 6 बजे हकीम साहब घर से निकल आते और बहुत से मरीजों को देखते। कभी कभी उनकी गैर जरूरी बातें भी सुनते मगर पेशानी पर बल न लाते। उनके इस आम दरबार में छोटे बड़े का फर्क ना था। अमीर हो के गरीब सबको बारी बारी देखते। हकीम साहब बड़ी समझ बूझ के आदमी थे। उन्होंने मुल्क की सियासत में भी अमली हिस्सा लिया। वो शुरू ही से चोटी के लीडरों में गिने जाने लगे थे। सियासी कामों के साथ हकीम साहब सामाजिक कामों में भी
खूब हिस्सा लेते थे। औरतों की तालीम के वो बड़े हामी थे। वो हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए कोशिश करते। रहे 1919 में जलियांवाला बाग के मकाम पर अंग्रेजों ने बहुत से हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया था। हकीम अजमल खान ने हिंदुओं और मुसलमानों के इस कत्लेआम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। हकीम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सदर बनाया गया था। वो सोच समझकर सियासत के मैदान में आए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बेजिगरी से काम किया और आखिर दम तक मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सियासत के मैदान में जमे रहे। हकीम साहब लोगों की खिदमत ही को सबसे बड़ा काम समझते थे और खिदमत के मौके को कभी हाथ से ना जाने देते। एक मरतबा दिल्ली में कोई वबाई मर्ज फैला। इस मर्ज में खानदान के खानदान साफ हो गए। घर घर मातम था, कोई किसी की खबर ना लेने वाला था। दिल्ली पर एक ऐसी आफत आई कि अच्छे अच्छों के अवसान खता हो गए। ऐसे नाजुक वक्त में भी हकीम साहब लारियों में दवाइयां बांटते फिरते थे। उनको अपनी जान की कुछ परवाह न थी। उन्होंने दिल्ली का यूनानी और आयुर्वेदिक तिब्बी कॉलेज कायम किया और उसे खूब तरक्की दी। इस कॉलेज को अपना दवाखाना भी दे डाला, जिसका सालाना मुनाफा लाखों रुपए था। मुसलमानों की जदीद तालीम के लिए अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद डाली गई। बाद में ये इदारा दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। हकीम साहब इसके पहले वाइस चेयरमैन मुकर्रर किए गए। आखिरी जमाने में वो अपना ज्यादा वक्त जामिया मिलिया के कामों में लगाते थे। इससे उनको बहुत सी उम्मीदें थी। आगे चलकर उनकी उम्मीदें पूरी हुई और आज जामिया मिलिया इस्लामिया मुसलमानों का एक बड़ा इदारा बन गया है। ऐसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। आज हकीम साहब नहीं हैं, लेकिन उनकी याद लोगों के दिलों में जिंदा है। नामी का मतलब होता है मशहूर, बहुत नाम वाला। दुनिया से उठ जाना मतलब इंतकाल हो जाना, गुजर जाना, मर जाना। तबीब का मतलब होता है हकीम या डॉक्टर। अजीज का मतलब होता है दोस्त। महलों में हजारों पर जाना मतलब अमीरों के इलाज पर हजारों रुपये लेना। वबाई मर्ज यानी ऐसी बीमारी जो एक साथ बहुत से लोगों को हो जाती है, जैसे कोरोना वायरस। आफत यानी मुसीबत। औसान खता होना यानी घबरा जाना, डर जाना। पेशानी पर बल ना पड़ना यानी बुरा ना मानना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।